2014 में पहली बार मैंने जलंधर में एक लोकल क्लिनिक में एक हस्की देखा था, एंड उस टाइम पे डेढ़ डेढ़ दो दो लाख के हस्की होते थे एंड प्राइस बहुत ज्यादा होता था, बट हाँ सोचा जरूर था कि एक बार ही लेंगे जरूर। इन 2020 मैंने अपने लिए वोट करी एंड उस टाइम पे भी प्राइस थोड़ा सा नॉर्मलाइज स्टेबलाइज हो गया था, 40-45 के पास अच्छी पेडिग्री मिल जाती थी। पर आज ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो कम बजट में रखना हस्की चाहते हैं, हसरते हैं बट बजट नहीं अलाउ करता। देखो मैं हमेशा अपनी हर एक वीडियो में कहता हूँ दैट जो डॉग लव होता है ना वो जेब से नहीं होता, वो दिल से होता है। तो आज आपके लिए एक ऐसा लिटर लेकर आए हैं जो कम बजट में आपको अच्छी क्वालिटी में 110% गारंटी के साथ बच्चे मिलेंगे। तो मैं आपको मिलाता हूँ लीजा से, ये लीजा है एंड इन्हीं का एक लीटर हमारे पास यहाँ पे पटियाला में अवेलेबल है और मैं जलंधर से स्पेशली ड्राइव करके पटियाला आया हूँ सिर्फ उन लोगों के लिए जो मेरे को मैसेज करते हैं दैट तेजस भाई इतना बजट नहीं है पर चाहिए हस्की, रखना हस्की हसरत है। एंड कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर पाता हूँ, 2014 में जैसे आपको मैंने बताया था सोचा था हस्की देखे कि यार एक बार जरूर लेंगे, ना देखो हस्कियों में घूम रहे हैं, तो ये वाली सिचुएशन आई कैन रिलेट टू एंड इसीलिए एक पॉकेट फ्रेंडली लिटर आज आपके लिए लेकर आए हैं। ये मदर है बाय द वे, इनका नाम लीजा है। स्टैंडर्ड कोट जो हमेशा बोला जाता है प्रेफरेबल रहता है उन जगहों में जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। अब आप देख लीजिए पंजाब कह लो, आप MP कह लो, UP कह लो, राजस्थान कह लो, गुजरात साइड कह लो, मुंबई में ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा होती है, वूली कोट के बच्चे चल जाते हैं, बट जो हमारे स्टैंडर्ड कोट के बच्चे हैं वो ज्यादा प्रेफरेबल रहते हैं, वो एक्टिव रहते हैं एंड प्रॉपरली आप लोगों की चाहते तो पूरी करेंगे ही करेंगे बट डेफिनेटली वो खुद भी खुश रहते हैं। अब मैं आपको इनके पेरेंट्स से मिला रहा हूँ, ये लीजा जी हैं जैसे मैंने आपको बताया दैट स्टैंडर्ड कोट की बच्ची है और ये साथ में हमारे जॉर्डन भाई। अब देखो एक स्पेशलिटी मैं आपको बताता हूँ, ये है ब्लू आइज का बच्चा और ये है हमारे नॉर्मल एम्बर आइज का बच्चा, बट ब्यूटीफुली इनका जो लिटर है ना वो सारे के सारे ब्लू आइज के बच्चे, एक ऑड आइज है बस, एक ऑड आइज का बच्चा है, बाकी सारे ब्लू आइज के बच्चे हैं। तो ये कमाल हमारे जॉर्डन भाई का कहूंगे, लीजा का कहूँ, जॉर्डन का बहुत प्यारा रिजल्ट है बच्चे का, सारे के सारे लिटर में ब्लू आइज के बच्चे निकालता है। एंड अभी देखो क्या उम्र है भैया इसकी, 18 महीने का ये, क्या बात है, चैंपियन इन मेकिंग, स्नो व्हाइट कलर का बच्चा है एंड ये ब्लैक एंड व्हाइट बच्ची है। इन दोनों का लिटर हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं आपको एक एक करके सारे बच्चों से मिलवाने लगा हूं। पहले दो मेल्स हैं जी, डार्क ब्लू आईज एज यू कैन सी, एक बारी पास से देख लो, हमने इन लोगों को नहलाया नहीं है इसलिए इनके थोड़े से आपको पॉज गंदे दिखाई दे रहे होंगे, बिकॉज वी प्रेफर कि बच्चे अपने नेचुरल एनवायरमेंट में रहने चाहिए, कच्ची मिट्टी में घूमने चाहिए ताकि उनके जो एंगल्स हैं जो अपना बॉडी के पैरामीटर्स हैं वो एकदम सही रहने चाहिए। तो एक बारी आप इन दोनों से मिल लो, ये हमारे फर्स्ट टू पपीज हैं, बोथ मेल्स एंड बोथ ब्लू आईज। बैग आप इनकी देख लो, भारी हो गए यार, आज 46 डेज के बच्चे हो चुके हैं, ये पपी डीपी इन लोगों की डन हो चुकी। ये हमारे मेल नंबर 3 एंड मेल नंबर 4 भाई साहब जी हैं, बोथ मेल्स ब्लू आईज। एक बार मैं आपको इनकी मार्किंग दिखा देता हूँ पीछे से, ब्यूटीफुल। किस पे गए ये, मदर पे फादर पे, दोनों पे, दोनों मिक्स है। आईज गई है फादर पे और जो कोट है ब्यूटीफुल कोट है। लीजा का क्या उम्र है अभी, 24 महीने 18 महीने। पर बच्चा देखो आप, पर्टिकुलरली मैं लीजा की बात कर रहा हूँ, अगर मैं मार्किंग की बात करूँ, साइज की बात करूँ, देखो पंजाब की ना ये ब्यूटी है कि जो बच्चे हैं ना उनको प्रॉपर घर जैसा खाना मिलता है और आप बच्चे देखो कितने हैवी हैं, दोनों के दोनों ब्यूटीफुली हेल्दी बच्चे। एंड ये हमारे मेल नंबर 3 एंड मेल नंबर 4 हो गए। अब मैं आपको बाकी का लीटर दिखाता हूँ साथ। अब जो आपको पहले मैंने बच्चे दिखाए हैं वो सारे के सारे ग्रे एंड व्हाइट के बच्चे हैं और अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो दिस इज द चॉइस फॉर यू। ये दोनों वहाँ पे गए हैं, लिटरली पूरे पूरे वहाँ पे गए हैं, आंखें इनकी आई हैं अपने पापा जी से। गुस्सा आ रहा है यार, पापा जी का नाम भी लेना। अब एक बार फिर से देख लो, ब्यूटीफुल। क्या खा रहे भैया अभी, पेडिग्री खा रहे हैं, पेडिग्री पे रखा हुआ है ना, सेरेलैक से बच्चे हट चुके हैं, टीथ इनके आ चुके हैं, ये देखो एक बार, दांत इनके आ चुके हैं, प्रॉपर खाना खा रहे हैं, दे आर रेडी। 46 डेज इनकी एज हो चुकी है भाई साहब की। ये फ्लेम वाला रहता है ना, जो फ्लेम वाला मार्किंग रहता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल तैयार हैं ये जाने के लिए बच्चे सारे के सारे आपके घरों में। ये तो मेल्स मैंने आपको दिखाए हैं अभी, इनमें से ये ब्लू आइज है मेरे लेफ्ट वाला और राइट वाले भाई साहब ऑड आइज हैं। एक बार अच्छे से देखो, ये वाला ऑड आइज, एंड ये हमारी मैडम जी, पूरे के पूरे लिटर की सिर्फ इकलौती फीमेल इन ब्लू आइज। बहुत प्यारी बच्ची है, इकलौती बच्ची है, बाकी सारे के सारे मेल्स हैं। अब हमने आपको टोटल 4 मेल्स दिखाए हैं ब्लू आइज में, ग्रे एंड वाइट में, एक मेल आपको ब्लैक एंड वाइट ब्लू आइज और एक मेल ब्लैक एंड वाइट में ऑड आइज और एक हमारी ये मैडम जी फीमेल ब्लू आइज ब्लैक एंड वाइट कलर।
सही कहा भैया मैंने, कुछ गलत तो नहीं कहा, बिल्कुल सही। अब देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये वीडियो उनके लिए है जिनको एकदम बजट में, स्ट्रिक्ट बजट में हस्की के बच्चे चाहिए। मेरे को बहुत मैसेजेस आते हैं, मैंने उस दिन भैया को बोला भी कि मेरे को भैया बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि अच्छे बच्चे हैवी क्वालिटी में बट कम बजट में चाहिए। मैंने एक इंग्लिश लैब्राडोर की वीडियो भी डाली थी, तो क्या है ना जो मेरा सर्कल है ब्रीडर्स का वो बहुत स्ट्रांग है, लालची नहीं है कि अच्छी क्वालिटी को हम इतना महंगा ही देंगे, 25-25 में देंगे, 20-20 में देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी क्वालिटी सस्ते दाम में, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ब्रीडर्स ऑफ पंजाब, है ना भाई? ये देख रहे, एग्री कर रहा है मेरी बात, सही कह रहे हैं आपके ही बच्चे, मैं लेके नहीं जा रहा, डोंट वरी। तो अब आप लोग एक बारी कॉल कर लो, मैसेज कर लो, एंड जौन सा भी बच्चा आपको पसंद है, मैं इंडिविजुअल शॉट्स इनके सारों के ले रहा हूँ, मैं आपको ओवर व्हाट्सएप ही सारा कुछ शेयर कर दूंगा। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो डॉग ब्रीड्स होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। एक जो रेट ओरिएंटेड होती है, आपने बहुत वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पे, चीप मार्केट, चीप डॉग मार्केट, वहाँ पे क्वालिटी नहीं होती। दूसरे तरह की जो हमारी डॉग ब्रीड होती है वो होती है क्वालिटी ओरिएंटेड, जिसमें क्वालिटी एकदम घुस के क्वालिटी होती है बट पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, और कोई शौकीन बंदा है वही खरीद सकता है। तीसरे तरह की जो डॉग ब्रीड होती है उसमें रेट सही होता है और क्वालिटी जेन्युइन होती है, जो हमेशा हम आगे प्रमोट करते हैं कि बंदा अफोर्ड भी कर सके और क्वालिटी भी भरपूर अच्छी मिले। बिकॉज देखो ना, ये 15-20 साल की इन्वेस्टमेंट है, ये SIP से भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो क्या है कि हम लोग कहीं गलत जगह पैसा लगा नहीं सकते, सो वी ऑलवेज वॉन्ट अ गुड डॉग ब्रीड, अ गुड क्वालिटी डॉग ब्रीड, एंड इन ब्यूटीफुल प्राइस अमाउंट इज वेल, पैसे भी उतने ही खर्चने हैं क्योंकि बाद में इन पे भी बहुत पैसे लगते हैं। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो हमेशा मेरे को फोन करके कहते हैं तेजस भाई बजट नहीं है, तेजस भाई बजट बहुत कम है पर हस्की रखना है, शौक है। एंड ये कहीं ना कहीं बात मैंने वीडियो में भी बोला कि मेरे को रिलेट करी कहीं पे 2014 के वो इंस्टेंस से जब मैंने देखा था, यार ये हस्की होता है अपना, जो हमारे सन्नी भाई साहब हैं उनके क्लिनिक में ऐसे ये इंसिडेंट हुआ था। मैंने भैया से जाके पूछा, मैं कहा ये कौन सी ब्रीड है यार, ये तो एकदम मस्त सुंदर लगा, प्योर वाइट हस्की मैंने देखा था, लैबरा लेके गया था उस दिन में, मेरे को भी याद है टाइसन ब्लैक लैब था मेरा, उसको लेके गया था मैं वैक्सीनेशन शॉट लगवाने के लिए। तो वहाँ से ये वाली बात रिलेट होते 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 आज यहाँ पर आ चुकी है 2023, जब हम लोग के यहाँ पे हस्की इतने कॉमन हो गए हैं कि उन लोगों को अच्छे प्राइस में, अब जो लोग हैं उनको अच्छे प्राइस में हस्की मिल रहे हैं, लोग अफोर्ड कर पा सकते हैं। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए थी, सबके लिए जो मेरे को मैसेज करते हैं, एंड आई रियली होप कि ये जितने भी अच्छे बच्चे हैं ये अच्छे घरों में जाएंगे एंड आप लोग इनकी अच्छी से टेक केयर भी करोगे। क्यों रौनक, रौनक ने पीट कर लिया हमारी तरफ, रौनक प्यार ले रही है, प्यार ले रही है। तो ठीक है गाइस, वीडियोस देखते रहा करो, नंबर मैं बता रहा हूँ, मैं फिर से दे रहा हूँ, कॉल कर लेना, एंड वीडियोस देखते रहा करो, प्यार करते रहा करो, डॉग्स को प्यार करते रहा करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना करो, डॉग्स को प्यार करते रहा करो, टेक केयर।